हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुपर संडे गेम नंबर टू मुकाबला एलएसजी बनाम जीटी खेला जाएगा लखनऊ। एंड ये एक बड़ा सा मुकाबला, उसके पहले एक बड़ा सा डिपॉजिट ऑफर, लास्ट डे लास्ट गेम फॉर यू टू अवेल दिस ऑफर, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस चांस। एंड चलते हैं आज के प्रीव्यू की तरफ स्ट्रेट वे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ये गेम खेला जाएगा एट एलएसजी, एट रादर एट लखनऊ एट एक कान्हा स्टेडियम। एंड लास्ट ईयर से पिच काफी अलग, सो बहुत सारे इनसाइट्स फॉर यू टिल द एंड ऑफ दिस प्रीव्यू, सो डोंट मिस आउट एंड वॉच टिल द एंड, ताकि आपको सारे इनसाइट्स यहां तक पहुंचाया जाए। विन प्रेडिक्शन इस गेम के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स, बट एक बहुत ही ज्यादा क्लोज मुकाबला, मैं कहूंगा एक 55-45 वाला गेम ये दोनों टीम्स के बीच में। अब याद रखिए कि माई मास्ट 11 पे बहुत सारे ऑफर्स, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, सीरीज लीडर बोर्ड, बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ा इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा जीत जाए, तो ये कुछ टॉप प्राइस है। ₹15 में आईफोन 15 प्रो मैक्स प्लस आपको कैश प्राइस मिल रहा है, रॉयल एनफील्ड, थार, बहुत सारे प्राइजेस। तो जाइए जल्दी से चेकआउट करिए, ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड वही ऑर्डर में डिपॉजिट ऑफर, फिर आपके पास ये बहुत सारी प्राइजेस, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, सो एवरीथिंग फॉर यू एट लो प्राइजेस एंड लो एंट्री फीस, सो डोंट मिस आउट ऑन द चांस। अब चलते हैं आज के टैक्टिकल कॉर्नर के पास, जीटी वर्सेस एलएसजी के मुकाबले में। एंड ओपनर्स दोनों टीम्स के, एक गिलन साहा, दूसरे साइड की एलन क्यूडी के। अब आप जानते हैं एलएसजी के साथ एक जो वीकनेस है वो उनकी पावर प्ले बोलिंग है, वाइल हम जानते हैं कि जीटी के लिए गिल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी गिल एंड साहा दोनों के लिए टू गेट ऑफ टू अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। जीटी की पावर प्ले बोलिंग भी खास नहीं है, लजमा ठीक ठाक लगे हैं, बट उमेश इतने खास फॉर्म में वहां पे लगे नहीं है। वेल मिडल ओवर्स की बात की जाए तो दोनों टीम्स की मिडल ओवर्स बोलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वेल दोनों टीम्स के मिडल ऑर्डर थोड़े से कंसर्निंग, तो वहां पे एक एंट्री पॉइंट बन सकती है। और राशिद नूर ऑफ और बिश्नोई क्रोनाल, इस बात का ध्यान रखें, मयंक यादव की बात तो हम सब ने की ही है, तो वो स्लो स्टार्टिंग मिडल ऑर्डर बैटर्स जैसे साई, दूसरी तरफ स्टॉइनिस, डीडीपी, वो एक कंसर्न पॉइंट बन सकता है दोनों टीम्स के लिए। तो ये हुई टैक्टिकल कॉर्नर की बात, आप क्या कर सकते हो इस डेटा के साथ, अपने रोटेशंस कर सकते हो ग्रैंड लीग्स में, जहां पे येलो जोन्स है वहां पे उन प्लेयर्स को ड्रॉप करके आप चांस ले सकते हो। रिमेम्बर टू जॉइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम, फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन जरूर हिट करिए, ताकि आगे के जो भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको पहुंचते रहे। वेदर रिपोर्ट इस गेम के लिए क्लियर, थोड़ा सनी वेदर एंड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। पिचेस, जो पिचेस की बात की जाए तो यहाँ पे पहला मैच ठीक था बैटिंग के लिए, उसके अलावा भी वर्ल्ड कप में हमने देखे बहुत ही ज्यादा बेटर ट्रैक्स इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, तो वही हम एक्सपेक्ट करेंगे वापस इस मुकाबले, एक गुड बैटिंग ट्रैक अनलेस एंड अंटिल कुछ चेंज हो। बट प्रॉब्लम क्या है, ये एक डबल हेडर मुकाबला है, तो पिच रिपोर्ट मिलना थोड़ा सा अनलाइकली हो जाता है यहाँ पे। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग लेंथ की तरफ, जीटी की तरफ से कुछ खास चेंजेस मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एलएसजी की तरफ से अगर मोहसिन खान अवेलेबल होते हैं तो प्रॉब्ली आ जाएंगे, बट अब तक उनका कुछ कंफर्मेशन नहीं आया यहाँ पे, सो लेट्स सी वेदर ही प्लेस ऑर नॉट। जीटी के लिए दर्शन नलकंडे विल बी द मोस्ट लाइकली 12th प्लेयर ऑफ द साइड। इन्वेस्टमेंट लीडरबोर्ड भी चल रहा है माई मास्ट 11, आप जैसे ज्यादा लीग्स ज्वाइन करते हो आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है इन दी इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंट्री फीस भी है दूसरे ऐप्स के कंपैरिजन में काफी लोअर है, सो गुड चांस फॉर यू सेव सम बक्स, डिपॉजिट ऑफर का यूज करके वही एक्स्ट्रा कैश यहाँ पे यूज कीजिएगा। अब चलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ, एंड यहाँ पे है क्विंटन डिकॉक टू स्टार्ट द अटैक। एंड इन्होंने वर्सेज जीटी ठीक ठाक किया, 29 की एवरेज एट लखनऊ, 2 मैचेस में 70 रन, लास्ट गेम में यहाँ पे 50 बनाई थी इन्होंने। KL राहुल की बात की जाए तो ठीक ठाक एवरेज एट द वेन्यू, एंड वर्सेज जीटी सिर्फ 25 का एवरेज, बट कीपिंग वैल्यू भी आपको ये देंगे, तो एक अच्छी खासी चॉइस बनते हैं, प्लस स्टार्टिंग में अपना समय लेते हैं, हेंस आपके लिए एक अच्छी चॉइस वहां पे बन जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी वैल्यू। देवदत्त पार्टिकल एक बहुत ही खराब मैचअप इनका भी राशिद के सामने, राशिद खान एक एक्स फैक्टर बनेंगे इस गेम में, क्यों वो जैसे हम मैचअप सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, फॉर्म भी इनका कुछ खास नहीं रहा है, हेंस ये आपके लिए सिर्फ एक GLP की बन जाते हैं। निकलस पुरान सिर्फ 13 का एवरेज वर्सेज जीटी, एंड एक प्लेयर जिनके सामने आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उनके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने, जब मैं उस प्लेयर कार्ड की तरफ पहुंचूंगा मैं उनकी बात करूंगा आपके साथ। एंड एट लखनऊ भी कुछ खास नंबर्स नहीं, बट एक सजेशन आपको दूंगा कि इस गेम में जो एट लखनऊ वाले नंबर्स है उस पर ज्यादा फोकस मत करिए, एज लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ये पिच 360 डिग्रीज अलग है, कोई कंपेरिजन ही नहीं है, हेंस वो चीज आप अपने मन से यहाँ पे हटा दीजिए।
आयुष बदोनी वर्सेस GT30 का एवरेज, अगर आपको लग रहा है टॉप ऑर्डर में कुछ विकेट जल्दी गिरेंगे तो इनका काम वहां पे बन सकता है। एलसीए भी एक सिर्फ एक ग्रैंड लीग पिक बन के रह जाएंगे। मार्कस स्टोइनिस लास्ट कुछ मैचेस से बॉलिंग नहीं कर रहे थे, बट लास्ट मैच में आके कुछ ओवर्स किए, विकेट भी एक ले गए, बट प्रॉब्लम है कि कुछ गारंटी नहीं है। प्लस विद द बैट भी कैमियोज ही खेल रहे हैं। लास्ट गेम में टच थोड़ा बेटर लगा वर्सेस बैंगलोर, सो लेट्स सी। प्रॉपर्ली आप बेस टीम में लेके जा सकते हो, स्पेशली अगर ये सिक्स बॉलर है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्योंकि लास्ट गेम में बॉलिंग की है तो प्रॉब्ली कुछ ओवर्स वापस करके दे सकता है। क्रुणाल पांड्या लास्ट गेम में एक ही ओवर डाला इन्होंने, बट विद द बैट वैल्यूबल रह सकते हैं। साथ साथ में शुभमन गिल के सामने एक बहुत अच्छा मैचअप इनका, एंड सामने वाली टीम में अगर डेविड मिलर नहीं खेलते तो एक और राइट हैंडर बढ़ जाता है केन विलियमसन। एंड उस बात का ध्यान रखिए कि इफ डेविड मिलर डज नॉट प्ले, क्रूनल का रोल ऑटोमेटिकली वहां पे थोड़ा एलिवेट हो सकता है। रवि बिश्नोई 3 मैच में एक भी विकेट नहीं है इस टीम के सामने, एंड एट लखनऊ 7 मैच में 9 विकेट। जस्ट बट जैसे मैंने कहा, उन नंबर्स पे ज्यादा यहाँ पे फोकस मत कीजिए। तो नंबर्स कुछ खास नहीं, लास्ट गेम में भी कुछ खास कर नहीं पाए थे लास्ट टाइम यहाँ पे, सो लेट्स सी कैसा गेम इनका जाता है। इनको मैं सेकंड बॉलिंग में ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि GT की जो मिडल ऑर्डर है थोड़ी सी वीक है, तो इन चेज अंडर प्रेशर में भी ये ज्यादा वहां पे काम आ सकते हैं। नवीन उलग 1 मैच में 1 विकेट पहले बॉलिंग करते हुए, इन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा मैं सेकंड बॉलिंग में। आई एम नॉट श्योर कि किन फेजेस में इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यश ठाकुर कुछ खास फॉर्म लगा नहीं, अगर आप फ्रंट स्विंग की उम्मीद है तो ही लीजिएगा, एल्स इन्हें लेके कुछ खास पॉइंट बनेगा नहीं। मयंक यादव डेफिनेटली बेस्ट टीम में लोगे, स्पेशली सेकंड बॉलिंग में अंडर प्रेशर विकेट लेने की केपेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई, एंड फर्स्ट बॉलिंग में भी काफी ज्यादा डेंजरस ये बन सकते हैं। कुछ बातें सुन रहा हूँ मैं कि वर्ल्ड कप टॉप में भी हो सकते हैं, लेट्स सी होपफुली ऐसा कुछ हो जाए तो उनके लिए भी बहुत अच्छा, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स उन्हें सही तरीके से टाइम एंड पेस किया जाए, ना कि एकदम ऊपर चढ़ा के नेक्स्ट मोमेंट आप इन्हें नीचे उतार दीजिए। मोहसिन खान खेलते हैं तो ठीक ठाक पिक रहेंगे, 3 मैच में 2 विकेट, सनाइट लखनऊ 2 मैच में 3 विकेट। सीरीज लीडर बोर्ड भी चल रहे हैं, माई मास 11। सीरीज लीडर बोर्ड कैसे खेलते हैं, मल्टीपल टीम्स के साथ ज्वाइन करके, तो जो हम बेस टीम यूज करते हैं उसे ही रोटेट करके आप और टीम्स बना के अपनी रैंकिंग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ। यहाँ पे है शुभमन गिल टू स्टार्ट, एंड बहुत ही अच्छी एवरेज वर्सेस दिस टीम, अच्छा खासा काम किया है उन्होंने पहले यहाँ पे, तो डेफिनेटली अ पिक वर्थ कंसिडरिंग अगेंस्ट लखनऊ क्योंकि पावर प्ले बॉलिंग कुछ खास नहीं। रिद्धिमान साहा का एवरेज भी अच्छा है, ये दर्शाता है कि पावर प्ले बॉलिंग एक्चुअली वीक है। प्रॉब्लम क्या होगी वह चाह आपको कि इतने सारे कीपिंग ऑप्शन है कि लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट कीपिंग वैल्यू भी आपको देंगे। तो अगर आपको लग रहा है 15-20 रन मार के 1-2 कैचेस ले लेंगे तो आपका काम वो हिसाब से बन सकता है। साई सुदर्शन नहीं खेले इस टीम के सामने पहले, एंड ये भी एक ठीक ठाक पिक बन सकते हैं। इनमें केन विलियमसन, शुभमन गिल, तीनों का प्लेइंग स्टाइल थोड़ा सिमिलर है, पहले 10-15 रन में अपना समय लेते हैं तो फैंटेसी वैल्यू वो हिसाब से मिल जाती है, बट लास्ट गेम में हमने देखा स्टार्टिंग में आके कुछ शॉट्स खेलने लग गए थे। सो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ दैट्स अ चेंज इन अप्रोच कि वो एक वन टाइम चीज था। डेविड मिलर 4 मैचेस 83 रन वर्सेज LSG, एंड एट लखनऊ 1 मैच में 6 रन, ठीक ठाक नंबर्स, बट एक 50-50 पिक रहेंगे। पोस्ट द टॉस एक कॉल लिया जाएगा। केन विलियमसन खेलते हैं तो थोड़े और इजी टू पिक, एंड ऑफ कोर्स दोस नंबर्स आर वर्सेज LSG, वहां पे एक एरर है बट वो नंबर्स टोटली करेक्ट है, सिर्फ टेक्स्ट वहां पे गलत। सो अगेन जैसे मैंने कहा, क्योंकि प्लेइंग स्टाइल ऐसा है कि आप इन्हें इजिली तो नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि अपने दिन पे अगर 40 और 35 भी मार के गए तो फैंटेसी वैल्यू आपको वो हिसाब से मिल जाती है। फिर बात करें अजमतुल्ला उमर जाई की, तो नहीं खेले इस वेन्यू और इस टीम के सामने पहले, बट अप फ्रंट अगर हमें लग रहा है कि कुछ हेल्प मिलेगी, एंड अगर आपको सामने वाली टीम के ओपनर्स पे रिस्क लेना है तब ये बहुत ही ज्यादा हैंडी पिक बन जाएंगे। विजय शंकर सिर्फ एक GL पिक क्योंकि खास बैटिंग का मौका ना इन्हें ना टेवटिया को मिल रहा है। जब आप GL टीम्स में कोलैप्स वाली टीम्स बना रहे हो फॉर गुजरात टॉप ऑर्डर, तब आप इन्हें वेटेज दे सकते हो, स्पेशली राहुल टेवटिया, क्योंकि जो दोनों स्पिनर्स हैं बॉल इनके अंदर टर्न करेंगे तो हो सकता है कि लेग साइड बाउंड्रीज को यहाँ पे ये टारगेट करें, पर लखनऊ में बाउंड्रीज भी कुछ छोटी नहीं है क्योंकि स्पिनर्स को फेवर करती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बट ये एक अच्छे GL पिक बन सकते हैं इन दिस गेम। राशिद खान 4 मैचेस 7 विकेट्स, बहुत सारे अच्छे मैचअप्स, हर इनके जो टॉप बैटर है सबको 3-3, 3-3 बार आउट कर चुके हैं, KL राहुल, देवदत्त पाडिकल, निकोलस पुरान, तो बहुत पॉजिटिव मैचअप्स फॉर राशिद खान इन दिस गेम। उमेश यादव कुछ खास नंबर्स नहीं, 1 मैच में 9 विकेट्स वर्सेज LSG, एंड फॉर्म भी कुछ खास नहीं लगा। KL राहुल भी इनके सामने 130 के ऊपर के स्ट्राइक रेट पे मारते हैं,
एंड अच्छा खासा सैम्पल साइज है, हेंस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक तो नहीं बनेंगे, अप फ्रंट मूवमेंट के साइंस रहे तो जीएल में ले सकते हो, एल्स इग्नोर कर देना। मोहित शर्मा बॉलिंग फर्स्ट डेफिनेटली इन माई बेस टीम, बॉलिंग सेकंड 50-50 पिक, 2 मैच में 6 विकेट्स वर्सेस दिस टीम, ज्यादातर इनका काम होता है डेथ ओवर्स में स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट। स्पेंसर जॉनसन अनलाइकली टू प्ले, नूर अहमद की बात की जाए तो 2 मैच में 3 विकेट्स, एंड निकोलस पुरान के सामने इन्होंने 10 बॉल डाले हैं, निकोलस पुरान सिर्फ 3 रन के लिए मार पाए इन्हें एंड 2 बार आउट हुए। इस मैचअप का ध्यान रखिए क्योंकि निकोलस पुरान जाते हैं टारगेट करने टुवर्ड्स द लेग साइड, यहाँ पे लेग साइड की बाउंड्री बड़ी है तो हो सकता है कि ये थ्रू द गेट जाए, LBW जाए, या वहां पे लेग साइड पे इन्हें कॉट करा ले वापस। तो 2 बार आउट हो चुके हैं पहले निकोलस इनके सामने, देखते हैं तीसरी बार ये मैचअप वापस एक्टिवेट होता है या नहीं। अब चलते हैं आज के मैचअप सेक्शन की तरफ, एंड यहाँ पे शुभमन वर्सेस क्रूनल 53 और 52 एंड 1 डिसमिसल, तो क्वाइट रखा है इन्हें, डोंट बी सरप्राइज अगर क्रूनल पावर प्ले में आ जाए टू बॉल। केएल वर्सेस राशिद 35 41 एंड 3 डिसमिसल, तो अगेन केएल अगर मिड ओवर्स तक पहुंच भी गए तो वहां पे तकलीफें हो सकती है। वर्सेस राशिद देवदत्त वर्सेस राशिद स्ट्राइक रेट सिर्फ 72 का एंड 3 डिसमिसल्स, एंड जैसे मैंने कहा निकोलस वर्सेस नोर 3 of 10 एंड 2 डिसमिसल। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचअप्स, एंड अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम। तो चलते हैं आज की फैंटेसी टीम की तरफ, एंड फ्री कॉन्टेस्ट ऑलरेडी लाइव है यहाँ पे, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन। यहाँ पे 50,000 का फ्री कॉन्टेस्ट एंड 5,000 का फर्स्ट प्राइज, ऐप का लिंक माई मास्ट 11 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो कीपिंग सेक्शन में से KL क्विंटन एंड निकोलस पुरान स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस, रिस्क लेना चाहते हो तो निकोलस पे ले सकते हो बेस्ड ऑन द मैचअप। रिद्धिमान साहब भी मैं कहूंगा एक ठीक ठाक पिक बन सकते हैं इस गेम में, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन 2 डिपार्टमेंट से मिलेगी एंड पावर प्ले बोलिंग कुछ खास नहीं सामने वाली टीम की, हो सकता है स्टॉनिस भी आ जाए इन द पावर प्ले इन दिस गेम। शुभमन गिल, साई सुदर्शन एंड केन विलियमसन वापस अच्छी पिक्स बनेंगे इन दिस गेम, क्योंकि अच्छी खासी आपको फैंटेसी वैल्यू मिलती है इन द अप्रोच ऑफ देयर बैटिंग। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो अजमतुल्ला एंड क्रूनल पांड्या होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स इन दिस वन, एंड बोलिंग सेक्शन में राशिद खान होंगे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक एंड मयंक यादव दूसरी पिक। अब कौन से प्लेयर्स को आप रोटेट कर सकते हो एंड क्या सिनेरियो में, अगर GT सेकंड बैटिंग करती है ना चेस, तो आप इन दोनों में से एक को छोड़ के यहाँ से ले सकते हो मोहित शर्मा को, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में उनकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। एंड उसके अलावा रिद्धिमान साहा ऑफकोर्स एक 50-50 पिक है, तो उन्हें भी यहाँ पे निकाल के आप मार्कस स्टोइनिस के साथ जा सकते हो। तो ये है कुछ पॉसिबल रोटेशंस, बट अभी के लिए बेस टीम मेरी कुछ ऐसे लग रही है। उसके अलावा कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम, टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक तो नहीं कहूंगा, बट राशिद खान के नंबर्स बहुत अच्छे सामने वाली टीम के सामने, तो इनसे एक अच्छी पिक बन सकते हैं, क्योंकि लोकेश राहुल स्टार्टिंग में स्टेबली करते हैं, कीपिंग वैल्यू आपको देते हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी वाइस कैप्टनसी पिक बिल्कुल बन सकते हैं। फ्री कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ये रही हमारी अभी के लिए टीम, जो भी चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा ऑन टेलीग्राम @FantasyCricPro। अब देखते हैं आज के GL ऑप्शन। लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स इस गेम के लिए नूर अहमद स्पेशली व्हेन बोलिंग सेकंड एंड क्रूनल पांड्या। हाई सिलेक्ट ड्रॉपर्स बॉम्ब मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि इनके नंबर्स कुछ खास नहीं है वर्सेज राशिद, एंड अगर ये बॉलिंग नहीं करेंगे या रादर 6th या 7th बॉलर है टीम के एंड बॉलिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, तो फिर बिल्कुल इन पे चांस लिया जा सकता है। बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड GL CVC ऑप्शंस राशिद एंड क्रूनल, क्योंकि बैटिंग सेकंड बॉलिंग सेकंड अंडर प्रेशर ये विकेट्स ले सकते हैं, एंड बैटिंग फर्स्ट आपको बैट के साथ भी वैल्यू मिल सकती है, एंड बॉलिंग फर्स्ट मोहित एंड नवीन, क्योंकि ये है उनके 2 डेथ स्पेशलिस्ट, सो इन द डेथ अगर विकेट्स गिरेंगे तो ये दोनों होंगे लाइकली बेनिफिशरीज, एंड दोनों सिचुएशंस में KL राहुल एंड शुभमन गिल होंगे अच्छी चॉइसेस। तो ये रहा हमारा आज का फैंटेसी प्रीव्यू, आई होप आप सभी को पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, डू रिमेंबर टू ज्वाइन इन, एंड अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आया हो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए, एंड एक्सचेंज 22 पे गेम लाइव नहीं हुआ इसलिए मैं एक्सचेंज 22 की पिक शेयर नहीं कर पाया, शेयर कर दूंगा आपके साथ ऑन टेलीग्राम। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।